अच्छा व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरह फेसबुक पर एड रन की जाती है। सो आई आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप मेरी इस पेज की ग्रोथ को देखें कि पिछले 28 दिन के अंदर इस पेज में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, आप देख सकते हैं। मुझे इसके लिए आई थॉट के बैक पे जाना पड़ेगा, ये मेरे पेज की इनसाइट्स हैं, अभी मुझे इनसाइट्स की जरूरत नहीं, ऐड क्रिएट करना मैं आपको सिखाने लगा हूँ। बहुत अच्छी रीच गई है, पोस्ट इंगेजमेंट में भी बड़े फीसद इजाफा हुआ है, लाइक्स में भी इजाफा हुआ है, टैग्ड प्रोडक्ट्स क्लिक, क्योंकि मैंने कोई टैग नहीं लगाया तो इसलिए ऐसा कोई नहीं है। 526 फॉलोअर्स हैं मेरे इस पेज पर और मैंने किसी को इन्वाइट नहीं भेजा इस पेज का, किसी को इन्वाइट नहीं भेजा। और आप देखिए एएम टैग कोई ऐसा पेज नहीं है कि कोई इन्वाइट को पसंद करे। आयशा प्रिंसेस, अली किंग, इस तरह के पेजेस को इनवाइट्स मिल जाते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एएम टैग टाइप पेजेस को लोग इतना पसंद करते नहीं है। बाय द वे हम नीचे चलते हैं, हमारा टॉपिक पेज लाइक्स के बारे नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूं, आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं, ट्रिक बड़ा मजा आएगा आपको। फिक्स्ड प्राइस कितनी है? 340 रुपीज, 3 डे डिलीवरी फ्रॉम जोनी कंपनी टू योर एड्रेस, जोनी 100% ओरिजिनल हैंड्स फ्री। अब आप इस पिक्चर की क्वालिटी देखें जरा, मजा आया देख के कि नहीं आपको? तो मैंने आपको बताया था अगर आप लैपटॉप से देखें तो आपको ज्यादा क्वालिटी नजर आएगी। मैंने आपको कहा था कि ऑनलाइन दुनिया के अंदर तस्वीर बिकती है, प्रोडक्ट नहीं बिकता। आप देखिए कि यहां पर कितने लोगों की रीच हुई है, 14,110 लोगों की रीच हो चुकी है, 757 लोगों ने तो गौर से देखा है, इंगेजमेंट्स की हैं, ठीक है। और इस पर मैंने 2 ऐड चलाई, आप देख रहे हैं, 1 ऐड पर 12,300 रीच हुई है और 68 मैसेज आए हैं, दूसरे पे उसी पर ऐड चलाया है 724 रीच हुई है और 4 मैसेज आए हैं। मैं आपको दोनों के रिजल्ट्स बताऊंगा और पहले मैं बताऊंगा कि मैंने क्या टेक्निक की। सबसे पहले तो मैंने अपने तमाम जानने वालों को जिन्होंने मुझसे हैंड फ्री ली थी, मैंने उनको कहा कि भाईजान ये मैंने पोस्ट फेसबुक पे बूस्ट करनी है, बराए मेहरबानी यहां पर आके कमेंट कर दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने मेरा ख्याल मैम फातिमा को भी कहा था कि कर दें, नहीं कहा था, चलें अभी कहता हूं घर जाके कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? हाँ ओपन हो चुका है। सो यहां पर हम अपने तमाम रेलिवेंट्स कमेंट्स कौन करते हैं, तो जवाद बलोच कह रहे हैं जी सुपर हैंड फ्री, जलाल सलीम कह रहे हैं इंटरेस्टेड, एडवोकेट मियां जीम कह रहे हैं जी रेली बहुत अच्छी हैंड फ्री है, असदुर रहमान कह रहे हैं दिस हैंड फ्री इज जस्ट लव, फलाना टमकाना डेफिनेटली शो अप अगेन, द साउंड ऑफ हैंड फ्री इज माइंड ब्लोइंग, रिकमेंडेड। देख रहे हैं आप, अब मैं अगर खाली एड चलाता तो लोगों ने तो कमेंट्स ही नहीं पढ़े। मैंने क्या किया, एड चलाने से पहले ही कोई अपने रिश्तेदारों को लगा दिया जी कमेंट करें, और ये वाकयतन आपको पता है अच्छा प्रोडक्ट है, सो वाकयतन इस पर अच्छे कमेंट्स आए। इससे क्या होता है कि कोई भी बंदा इस एड को देखेगा तो वो पहले कमेंट्स में जाएगा और जब इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ लेगा तो वो मुझसे आके सवाल नहीं करेगा कि भाईजान ये ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि वो नीचे से एक्सपीरियंसेस पढ़ चुका है। सो ये एक टेक्निक है जो आपने ऑनलाइन मार्केटिंग में यूज करनी है, अपने रिव्यूज को इकट्ठा करना है कमेंट्स की सूरत में, ओके। अच्छा फिर अब मान लीजिए कि मैंने इस पोस्ट को बूस्ट करना है, तो अभी एड रिजल्ट्स की वीडियो तो कल बनाएंगे, बूस्ट अगेन किस तरह करना है? जी मैं बूस्ट करने का आपको ऑप्शन बताता हूं। यहां पर मेरे पास बूस्ट करने की 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो मैं ऑटोमेटिक बूस्ट कर दूं, यानी मैं सिर्फ बूस्ट पोस्ट नाउ करूंगा और फेसबुक ऑटोमेटिकली इसको बूस्ट करना शुरू कर देगी और मुझे अच्छे रिजल्ट्स ला के देगी, लेकिन चूंकि मैं पहले ही ऑटोमेटिक रिजल्ट्स ले चुका हूं तो मुझे पता है कि मैंने कौन से टैग्स लगाने हैं, कौन सी चीज लगानी है, कौन सी मेरी टारगेटेड मार्केट है, इसलिए मैं ऑटोमेटिक नहीं चुनूंगा और शायद मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं। मैं चाहता हूं कि मुझे मोर मैसेजेस चाहिए,
क्या चाहिए? मोर मैसेजेस। क्यों चाहिए भला? क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको कहूंगा अपना नंबर दें, और अब उसका नंबर लेने के बाद उसको कॉल करके मैं मना ही लूंगा। यानी अगर आपको अपने मार्केटिंग स्किल्स पे यकीन है तो आप गेट मोर मैसेजेस पे क्लिक करें, आपको मैसेज आएगा, नंबर लें, एक सेकंड के अंदर कॉल करें प्रोफेशनल बनके। आवर एजेंट विल कॉल यू सून। कॉल खुद ही करनी है। आवर एजेंट विल कॉल यू सून, हमारा एजेंट आपको भी, और फिर एजेंट भी आम नहीं, एजेंट भी एडवोकेट अब्दुल मती। देख रहे हैं, वो कहेंगे यार कितनी बड़ी कंपनी, एडवोकेट्स को उन्होंने एजेंट रखा हुआ है, पीछे हम भी बैठे हुए हैं। देख लें जरा हमारी वीडियो कितने मिनट की होगी, 5 मिनट की। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मेरी स्पेशल कैटेगरी, नहीं स्पेशल कैटेगरी वो चुनते हैं जो रिलीजियस बात करना चाहें या पॉलिटिकल बात करना चाहें। मैं नीचे आऊंगा, मैं कहूंगा कि मुझे मैसेंजर पे मैसेज चाहिए, व्हाट्सएप पे क्यों नहीं? लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू में पसंद ही नहीं करते, वो कहते हैं पहले मैसेंजर में रेट पूछ लें, डिलीवरी पूछ लें, और फिर बाद में जाके मैसेंजर व्हाट्सएप देंगे। तो आपने मैसेंजर पे उनको काबू कर लेना, इंशाल्लाह अगर आपने काबू कर लिया तो डना डन हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने क्या कर रहे हैं कि आपको मैसेज आएगा तो मैसेज में 3 सवालात फेसबुक आपको कहता है कस्टमाइज कर लें। कैसे 3 सवालात? कि कस्टमर को लिखने ना पड़े, वो जैसे ही टच करे तो वो 3 सवाल उसके सामने पड़े, उनमें से कोई एक सेंड कर दे। तो पहला सवाल है कैन आई मेक अ परचेज। तो डेफिनेटली अगर मैंने स्पॉन्सर किया है तो वो परचेज करने के लिए मैंने स्पॉन्सर किया है ना, तो मैं इस सवाल को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस सवाल का तुक ही नहीं बनता, क्योंकि मैं स्पॉन्सर इसलिए कर रहा हूं कि परचेज के सेल करने। सो मैं यहां पर सवाल लिखूंगा डिलीवरी चार्जेस, इज डिलीवरी फ्री, इज डिलीवरी फ्री। मैंने एक चीज सीखी है कि फेसबुक पर अगर आपने 300 की चीज बेचनी है ना, 500 की बेच दें लेकिन डिलीवरी फ्री करें। 300 की बजाय 500 की बेच दें, डिलीवरी फ्री करें। जब आप कहते हैं ना 300 की चीज है, 150 रुपया डिलीवरी या 100 रुपये डिलीवरी, तो कस्टमर कहता है मैं 100 ज्यादा क्यों दूं। लेकिन वही चीज जब आप उसको 500 की बेच रहे होते हैं और कहते हैं डिलीवरी फ्री, तो वो कहता है ठीक है। सो इस चीज को हमने धोखा खा के समझे। अब देखिए पहला क्वेश्चन मेरा ये बन चुका है, दूसरा क्वेश्चन मैं क्या रखूंगा भला? लोगों का सवाल होता है when will it reach, ये कब पहुंचेगी एट माय एड्रेस, ये मेरे घर कब पहुंचेगी। तो मैं पहले उनके सवाल बना के रख दूंगा कि उनको ये लिखना भी ना पड़े, कस्टमर को जितनी सहूलत देंगी, ये वीडियो ऑनलाइन हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, तीसरा सवाल मुझे जरा आप बताएं क्या होना चाहिए, इज द प्रोडक्ट ओरिजिनल। तो इन तीनों के मैंने आंसर टाइप करके पहले ही रखी होंगी अपने फेसबुक बिजनेस सूट में, वो मैम फातिमा आपको बताएंगी कि फेसबुक बिजनेस सूट को किस तरह चलाते हैं। तो मैंने देखिए 3 सवाल बना दिए, और मुझे पता है कि यही 3 सवाल बार बार आने हैं, तो इन तीनों के मैंने टेक्निकल आंसर बना के रख लिए हैं, तो मैम फातिमा उसको डील करेंगी इंशाल्लाह। यहां पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और एक और लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस वॉज दी पार्ट वन ऑफ एड क्रिएशन। Now the next part would be second part of ad creation on Facebook. Thank you very much.